अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगूँ। माशाल्लाह जी, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बना के दिखाते हैं कि चिकन वाइट पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह जी, कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है और इसमें हाफ के जी गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसके साथ ही हम चार गिलास पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मोटी इलायची, दो सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। वन टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। वन टीस्पून सौंफ शामिल कर देंगे। एक तेज़पत्ता, उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही एक प्याज है दरमियाने साइज़ के, इसके हमने दो पीसेस कर लिए, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और अभी हम 15 मिनट के लिए इसको ढक के हाई फ्लेम पर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जी माशाल्लाह जी, यखनी तैयार हो चुकी है। अभी हम चिकन को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यखनी को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। जी माशाल्लाह जी, कढ़ाई हम ऊपर रख लें, इसमें एक कप ऑयल शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को आपने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जी माशाल्लाह जी, ऑयल गर्म हो चुका है। और एक प्याज है हमारे पास, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया दरमियाने साइज का, ये शामिल कर देंगे। जी प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ आपने इसको सोते ही करना है, क्योंकि हम वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं, इसलिए आपने इसको ब्राउन करना बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें जी, इतना हमें चाहिए था, हमने कर लिया है। इसके साथ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और दो मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल दूर हो जाए। जी अदरक लहसुन की स्मेल दूर हो चुकी है और अभी हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और चिकन के साथ में हम दो तेज़पत्ते शामिल कर देंगे, एक चम्मच सफ़ेद जीरा शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत शामिल कर देंगे, दो बादाम के फूल, दो मोटी इलायची, चार से पाँच से लौंग शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से चिकन की हम भुनाई करेंगे। जी माशाल्लाह जी, चिकन की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। इसके साथ ही हम एक प्याली दही शामिल कर देंगे। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट ली है। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही वन टीस्पून सूरह दादर मिर्च शामिल कर देंगे, वन टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे। और अच्छे तरीके से हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नया में वीडियो आप तक पहुंच सके। रिश्तेदार में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नहीं माशाल्लाह जी, चिकन की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, जो हमने इसकी यखनी निकाली थी वो शामिल करेंगे। जिस गिलास से आपने चावलों का नाप लेना, उसी गिलास से हम यखनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। दो गिलास हमने चावल लिए हैं, चार गिलास शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अगर यखनी कम पड़ी तो उसकी जगह पर हम पानी शामिल कर देंगे। नहीं, हमारी यखनी एक गिलास कम पड़ गई थी, इसलिए हमने एक गिलास पानी शामिल और कर दिया है। चार गिलास हमने शामिल कर दिया। अभी हम हाई फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे, पानी को बॉईल आने दें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, देख सकते हैं पानी में अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह जी। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। दो गिलास हमारे पास चावल है, आधे घंटे के लिए हमने भगो के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे। बिस्मिल्लाह। हाई फ्लेम पे हम इसको ढक के रख देंगे जब तक चावल पानी नहीं खुश कर लेते। नहीं जी माशाल्लाह जी, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम चम्मच को हिला देंगे एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह। हल्के हाथों से आपने एक दफ़ा चावलों को मिक्स कर लेना है।
लास्ट पे सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे 3 से 4। इसको दम लगा दें, इसके ऊपर बदनी चीज़ रख देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। नहीं जी माशाल्लाह जी दम हो चुका है। सुभान अल्लाह जी, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह जी खुशबू आ रही है। अभी हम आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देख सकते हैं खिले खिले चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं चिकन वाइट पुलाव। आप लोगों ने भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है। माशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।